नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत सितारगंज कोतवाली पुलिस द्वारा 15 घंटे में ट्रक चोरी का खुलासा करते हुए चोरी का ट्रक और दो चोरों को गिरफ्तार किया गया। वहीं एसपी सिटी मनोज कत्याल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि द्वितीय 17 अक्टूबर को जहांबाद पुत्र अशरफ निवासी गदरपुर ने सितारगंज कोतवाली में अभियुक्त मेहंदी हसन उर्फ सुहेल के खिलाफ एक तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें लिखा था कि बिलासपुर से लकड़ी की कुट्टी भरकर सितारगंज सिडकुल को ड्राइवर ट्रक लेकर आया था। वहीं लकड़ी की कट्टी को सिडकुल में उतारकर किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर ट्रक को चोरी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं मनोज कत्याल जानकारी देते हुए बताए कि सितारगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा पंजीकृत करते हुए ट्रक चोरी के खुलासे के लिए टीमें गठित की। वहीं पुलिस टीमों ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से हमीरपुर गाँव के किनारे से नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया। साथ ही दूसरे अभियुक्त राशिद अली को मिलक भोजीपुरा से चोरी के ट्रक के साथ गिरफ्तार किया और सितारगंज पुलिस ने पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके दोनों को माननीय न्यायालय में पेश कर दिया। वहीं एसपी सिटी मनोज कत्यार ने खुलासा करने वाली टीम के उज्जवल भविष्य की कामना की। ट्रक है कंटेनर टाइप का, जिसकी चोरी का मामला प्रकाश में आया था। सिडकुल क्षेत्र की घटना थी, तो क्योंकि सिडकुल में जितनी भी इंडस्ट्री लगे हैं उसको एकदम से सेफ एनवायरनमेंट देना और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना ये हमारी शीर्ष प्राथमिकता में है। तो जैसे ही सूचना मिली तत्काल हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इसमें जो भी एक्यूज थे उनका रोल हम लोगों ने इसमें वेरीफाई किया, तो उसके बेस पे हम लोगों ने इनकी जो एक्यूज है उसकी अरेस्टिंग की और उसी समय उससे हमने ये ट्रक भी बरामद किया। और इस ट्रक से जो पहले हमने इसमें जब इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक की है उस इन्वेस्टिगेशन के बेस पे जो ये मेन मुख्य अभियुक्त इसमें जो मेहंदी हसन है इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और साथ में हम लोगों ने एक और एक्यूज को अरेस्ट किया उसके भी हम लोग एंटीसीडेंट्स चेक कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें बहुत ही गंभीर यह घटना थी, उतनी प्रोफेशनल तरीके से पुलिस ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से इसको वर्कआउट किया और चंद ही घंटों में ये गिरफ्तारी और बरामदगी हम लोगों ने की है इसमें। और इसमें एसओजी की टीम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है, जिसको विकास चौधरी लीड कर रहे थे और थाने से एसएचओ भूपेंद्र ब्रिजवाल हमारी टीम को लीड कर रहे थे। तो दोनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई में बहुत अच्छी रिकवरी इससे की है और इंडस्ट्री का इससे विश्वास बढ़ेगा पुलिस में। और साथ में एक इसमें नई चीज़ निकल के आई है कि इंडस्ट्रीज़ में जनरली जो उनके यहाँ पर स्टाफ होता है, जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं, उनका वेरिफिकेशन तो हम लोग फोकस उस पर कर रहे थे, बट यहाँ पर उनका एक वेंडर था ये जो कि उसका रेगुलर एम्प्लॉय नहीं था। उस वेंडर के खुद भी उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है जो इस मुकदमे में वादी है और ये जो एक्यूज है ये एक्यूज की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है और जो वेंडर था उसे इस बारे में जानकारी थी कि ये व्यक्ति जो है पूर्व से भी चोरी के आरोप में जेल जा चुका है, इसके बावजूद उसने इसको अपने यहाँ पर रखा। तो इस बारे में भी हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी इंडस्ट्री के लोगों से भी अपील है हमारी कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ साथ जो आपके वेंडर्स हैं उनका भी एक बार पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराइए, क्योंकि इस प्रकार के आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का इंडस्ट्री एरिया में ऑपरेट करना ये काफ़ी खतरनाक है और ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। तो हम इस पर भी काम कर रहे हैं और हम शीघ्र एक ड्राइव अभी चलाएंगे इसमें, जिसमें जितने भी वेंडर्स हैं जो यहाँ पर अलग अलग तरह की सेवाएँ दे रहे हैं उनकी हम लोग क्रिमिनल हिस्ट्री और उनका करेक्टर वेरीफिकेशन हम लोग कराएंगे। हाँ, अभी इसमें हम लोग मैन ऑफ द मंथ की संस्तुति इसमें करेंगे और इसमें कप्तान साहब को हम लोग रिकमेंड करेंगे इसमें रिवार्ड के लिए और वैसे इस टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई।